पाजी आ जाओ। वो आ जा। ये तुम खुद गेंडा इसलिए तुमको वो बकरी लगता। Okay, okay, seriously, side. क्या बकरी यार? ये तो बकरी है। तुम लोग सवाल बहुत पूछता। पेट्रोल निकलो और निकलो निकलो। Good evening and welcome to Comedy Nights. आज हम बात करेंगे बिल की। ये जो बिल आते हैं, एक टाइम था आदमी दिल से जीता था, आजकल बिल पे जी रहा है। हर चीज का बिल, मोबाइल का, गैस का, पानी का, बिजली का, पता नहीं किस किस चीज के बिल आते हैं। और बिल पाजी ऐसी चीज है, अगर आप सामने वाले को देते हो हाँ। तो बड़ा मजा आता है, लेकिन सामने वाला जब आपको देता है तो वो बिल सीधा दिल पे लगता है। ऐसी खतरनाक चीज है। आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि पानी भी बिका करेगा, लेकिन आज देख लो पानी बिक भी रहा है और लोग पी भी रहे हैं। लेकिन करे भी क्या, नल के पानी पे भरोसा नहीं रहा। ये हमारा दिनेश है ना, गिटार वाला, ये देख लो नल का पानी पी पी के मुंह टूटी जैसा हो गया है। तो अच्छा, जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती, 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, बिना देखे बिल साइन करते रहे। और सर हम जैसे लोगों घर में बिल आता ना तो रिएक्शन ऐसा होता है जैसे बिल नहीं आया, हार्ट अटैक आया। हैं, बिल आ गया? अभी पिछले महीने तो आया, बिल आ गया। डरा होता है आम आदमी मेरे जैसा। अरे सबकी लाइफ में इतने बिल आते हैं कि लोगों ने अब बिल से बचने के लिए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए हैं। कोई रिश्तेदार के घर में जाता है ना तो अंदर जाता है आदमी, बिल्कुल बात सुनो, अपना 40 रुपए छुट्टे हैं, बाहर ऑटो वाला खड़ा, उसको दे दो, मेरे पास 50 का बंदा है। आदमी भी जाता है गुस्से, जला भुना जाता है, बाहर जाके बोलता है अंकल मैं 92 रुपए दे के आया हूँ, वापस भी आपको वही लेके जाएगा, अभी 2 मिनट खराब हो जाइए, निकलिए। बड़े बड़े अजीब अजीब किस्से होते हैं। जैसे हमारा दिनेश है ना, ये 500 रुपए लेके जेब में तो गर्लफ्रेंड को घुमाने चला गया। उसने 400 रुपए का पिज्जा ऑर्डर कर दिया, बच्चा 100 रुपया। इसने पूरे मेन्यू में ढूंढा 100 रुपए का आएगा क्या, वहां पे एक ही अवेलेबल थी चीज, जूस 100 रुपए का। इसने अपने लिए जूस ऑर्डर कर दिया, इसकी गर्लफ्रेंड कहती है एक मेरे लिए भी, कहता फिर मेरे वाला कैंसिल कर दो। कहती कैंसिल क्यों करना है, कहता एक गिलास में पियेंगे तो प्यार बढ़ता है, कहती दो मुंह वाला दो से क्या होता है, कहता दो से बिल बढ़ता है, पागल की बच्ची तेरे को नहीं पता। ये बात नहीं है कि सिद्धू भाई यहाँ पे बैठे हंसते हैं तो इनकी बिल की टेंशन नहीं होती, ये बिल की टेंशन सबसे ज्यादा लेते हैं। एक बार ये रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, सॉरी भाजी, एक बार रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो वेटर ने लाके जूस रख दिया, कहता मैंने नहीं मंगवाया, मैंने नहीं मंगवाया, कहता सर ये हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से फ्री में है, फ्री में है तो एक और ले। एक और ले और एक काम कर छोड़े, ओ हेलो, एक पॉलिथीन में डाल के दे, तेरी भाभी के लिए ले जाऊंगा। सॉरी। कई बार लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं ना तो एयर होस्टेस लेके आती है ट्रे खाने पीने का सामान, तो आदमी दूर से देख के ना खुद ही अपनी ट्रे खोल लेता है और इधर रुमाल डाल लेता है। जैसे एयर होस्टेस दूसरे से बात करी, सर यू हैड कॉफी, ओके 50 रुपए। इधर उसने सुन लिया कि अच्छा पैसे वाले, फिर ट्रे बंद कर देता है, सोने की एक्टिंग करने लगते हैं फिर कि हमें तो खाना ही कुछ नहीं। आजकल हस्पताल के बिल इतने आ जाते हैं कि लोग ब्लड प्रेशर चेक कराने जाता है कि लो हो रहा है, जब बिल आता है तो ब्लड प्रेशर हाई होने की बीमारी हो जाती है उसको। कभी कभी आपको कोई चीज पसंद आ जाए, बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, लेकिन उसका बिल सुनने के बाद ना वही चीज बुरी लगने लगती है। एक लेडी ऐसी साड़ी वाली शॉप में घुसी तो अपनी सहेली को बोली, सुनो रीटा, वो साड़ी देख रही हो, यू नो प्रियंका चोपड़ा ने सेम पहनी थी, यू नो मेरे पे कितनी जचेगी, भैया ये पैक कर दो, कितने की है, कह रहे 70,000 की, रहने दो, प्रियंका ने मैंने कॉमन कर दी हुई है, रहने दो, अच्छी भी नहीं लगेगी। पर बात यह है कि लोग बिल बचाते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग बिल बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, कौन कौन से तरीके ईजाद करते हैं, हमारे सारे दर्शकों को पता चलना चाहिए ताकि उनके भी पैसे बचें। कोई है हमारा दोस्त जो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? हेलो कपिल, हाय। मेरा सबसे बड़ा सरदर्द है मेरी बीवी का मोबाइल का बिल। जब देखा तब वो घंटों मोबाइल पे लगी पड़ी होती है। किसके साथ? पता नहीं, अपने मायके वालों के साथ, दोस्तों के साथ। अच्छा, मायके में फोन करती रहती है? जी, मायके में फोन करते रहती है हमेशा। अब मैं तो बोल बोल के थक गया, आप शायद ट्राई कर दीजिए, मायके वालों को फोन कटवा दो आप, ये अपने आप हट जाएंगी। जी वो कर चुके हैं, पड़ोसियों के फोन से यूज कर लेते हैं अभी। मतलब फोन जरूर करती हैं आप? जी। या आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? थाना से, थाना से हैं। और आप थाना से? तो मतलब मायके लोकल ही हैं। शुक्र करो अभी बीवी कहीं जलंधर से नहीं लेके आए आप, वो तो और बिल बनता आपका। तो आप तो आप मिस करती हैं अपने मायके? देखिए कपिल जी, इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को ही जिम्मेदार समझती हूँ, क्योंकि शादी के पहले ये मुझसे घंटों बात क्या करते थे। मैं बोलती थी अरे फोन रख दो, बिल आ रहा है। अरे तुम बिल की फिक्र क्यों कर रही हो, बिल भरने के लिए मैं हूँ ना। अच्छा, फिर आदत पड़ जाती है इंसान को। क्या शुरू में आदमी इंप्रेस करने के लिए बोलता, आप तो सीरियसली ले गई। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मैम आपसे। ये जो लड़कियां काफी देर तक फोन पे बात कर लेती, भगवान ने खास एक उनको तौफीक दी है, मतलब घंटों बात कर सकती बिना दूसरे का चेहरा देखे हुए, तो क्या बातें होती हैं वो? देश को लेकर समस्याएं कुछ आप शेयर करती हैं परिवार वालों से? औरतों के सर पे कितना सारा काम का और घर और बाहर सब संभालना रहता है, तो वही एक तरीका होता है कि हम अपनी तकलीफ भुलाते हैं गॉसिप करके। अच्छा, तो जो आप अपनी तकलीफ भुलाते हैं, उस चक्कर में जो आपके पति को तकलीफ होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब शादी किए, इतना तो भुगतना पड़ेगा, बिल भुगते हैं। तो भाई साहब एक बात बताइए, पहले आप क्यों शेर बनते थे ज्यादा कि अरे करो करो मैं दूंगा बिल? लव मैरिज हुई है आपकी? जी नहीं, अरेंज मैरिज हुई है। तो उस समय आदमी शेर बनता है, चलो ठीक है ना। तो अभी आपको सच्ची में परेशानी होती है काफी? जी सर, बहुत परेशानी। कितना आ जाता है मंथली इनका बिल? सर 1,500-2,000 तो आ ही जाता है। 1,500-2,000 आता है, तो फिर भी महंगा नहीं है, काफी प्यारी बीवी है आपकी। कोई बात नहीं, थोड़ा हौसला रखिए, सब ठीक होगा, सबके साथ होता है ऐसा। सर दूसरों की बीवी सबको प्यारी लगती है, आप किनके साथ आए हैं यहाँ पे? सर मेरी पूरी फैमिली है सर, पूरी कजिन्स है यहाँ पे। और ये जो बगल में बैठे हैं? सर ये मेरे भाई साहब है। आपके बड़े भाई हैं? जी। और आप क्या करते हैं सर? मैं डॉक्टर हूँ। हाँ जी, डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है आप? सर्जन है, फिजिशियन है? क्या, फिजियोथेरेपिस्ट है आप। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ, बट खास नहीं। अच्छा, पहले खुल के बताने लगे थे, फिर याद आया कि बीवी साथ में। हाँ नहीं, खास नहीं। क्योंकि इनको भी पता है ना, लोगों की फिजियोथेरेपी तो मैं कर दूंगा, मेरे को इन्होंने कुछ कर दिया तो मेरी कौन करेगा। तो खास नहीं होता। वैसे भी डॉक्टर लोग काफी पैसा कमाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बीवी फोन कर भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छी बीवियां हैं आपकी, प्यारी बीवियां, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा दिल खुला रखिए। मेरी वाली बीवी अगर करे ना, उस पर गुस्सा आएगा। एक तो मुंह लैंडलाइन जैसा, ऊपर से मोबाइल पे लगी रहे, उस पर गुस्सा करना बनता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच जी। और कोई हमारे दोस्त जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? जी भाई साहब। हाय कपिल सर। हाय सर, शादी से पहले मैं बैचलर था। सारी बैचलर होते हैं। ये तो वही बात हुई सब, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं बहुत छोटा सा था। शादी से पहले मैं सब बैचलर था, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन शादी के बाद बीवी का बिल बहुत ही आने लगा है। बीवी से शादी की कि बीवी का कनेक्शन लिया आपने? शादी की। बीवी का बिल कैसे आता है, मैं समझा नहीं, बीवी का बिल कैसे आता है? शादी करने के बाद बीवी का बिल बहुत ही आने लगा है। तो बीवी मीटर वाली, मीटर लगा हुआ किस चीज का बिल आता है बीवी का? यही खर्चा, लिपस्टिक खर्चा बढ़ते जा रहा है बीवी का। तो लिपस्टिक लगा? अच्छा, वैसे आपका बिल मोबाइल के बिल आता है। हाँ। लेकिन मेरी बीवी का बहुत ही खर्चा आता है, मेकअप वगैरह सबका खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा। प्रॉब्लम वही है ना, अगर मेकअप ना करें तब आप कहती हैं आज कैसी लग रही हो, अगर मेकअप करती फिर आपको तो बिल आ रहा है। आप चाहते क्या है? सर मैं यही चाहता हूँ कि ये सब बिल के झंझट खत्म करने के लिए शादी ही नहीं करवाई जाए। फिर आपका पेट्रोल का खर्चा बढ़ेगा, अगर शादी नहीं करोगे तो बाइक लेके फालतू में इधर उधर गेड़ियां मारोगे, उसका खर्चा आएगा। बीवी आपको नहीं कहती कि खुद तो ये टैटू वाले कपड़े पे खर्चा करते हो और मेरे मेकअप से प्रॉब्लम क्यों है? बीवी आई आपके साथ में? नहीं, मैं अकेला हूँ सर, तभी खुल के इतना बोल रहे हो। नहीं तो वो देख लो, डॉक्टर होते हुए भी बेचारों की जुबान चली नहीं। हाँ होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या करते हैं भाई साहब? सर मैं इवेंट्स का काम करता हूँ। इवेंट्स का काम करते हैं? इवेंट्स का करता हूँ, ओके। कास्टिंग का भी थोड़ा देख लेता हूँ, कास्टिंग वगैरह। कास्टिंग काउच? नहीं, कास्टिंग काउच नहीं, मेल फीमेल मॉडल्स कास्टिंग। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच भाई साहब शो में आने के लिए। पर बिट्टू शर्मा तुम ही हो? मैं ही। बताइए क्या काम है? मैं तुम्हारी बत्ती गुल करने आया हूँ। ये मोमबत्ती मेरी बत्ती गुल करेगी? लो, वाह, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे हाँ, पहचाना क्यों नहीं भाई साहब, कैसे हैं आप? हाँ। अरे ये वही है, वो डेड बॉडी वाले कमरे के बाहर जो ताला लगा होता है, वही है ये। आपने मुझे पहचाना नहीं? ये बंदे होते जो अस्पताल में इंजेक्शन चूस के पेशेंट को बताते हैं भाई मीठे लगवा लो। ओ बिट्टू शर्मा, मैं इस एरिया का लाइन मैन हूँ। लाइन तो ठीक है, मैन कैसे बोला आपने? मैन का मतलब होता है तंदुरुस्त, पढ़ा लिखा, खूबसूरत, तगड़ा आदमी। तुम मैन हो? तुम तो मैन से 40-50 किलोमीटर दूर हो। तुम ये बोलो कि मैन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ बोलो। अच्छा एक मिनट, तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? यहाँ छोड़ो, मेरे को ये बताओ तुम दुनिया में क्यों आए? किसके कहने पे आए? किसने की है ये हरकत? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उस पर केस करूंगा। ये हरकत किसने की है? ये ऐसा कोई हाफ ब्लड बंदा पैदा करता है कोई? ये हुआ क्या है? हो गया आपका, हो गया। अब मेरी सुनो, मैं तुम्हारा बिजली का कनेक्शन काटने आया हूं। पहले तो बंदे आते थे कनेक्शन काटने, आजकल खंबे बेचने लगे। मेरा बिजली का कनेक्शन क्यों काट रहे हो भाई? क्योंकि आपने 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। भाई इंडिया इतना बड़ा देश है, करोड़ों लोग बिल दे रहे हैं, एक आध आदमी नहीं देगा तो कोई कयामत थोड़ी ना आ जाएगी। कयामत नहीं आएगी, लेकिन आपके घर बिजली भी नहीं आएगी। तुरंत बिल भरो वरना कनेक्शन कट जाएगा। ध्यान से अपनी मुंडी ना काट लेना कहीं, ऐसे करते अरे भाई बड़ा बदतमीज आदमी है तू। एक शरीफ आदमी ने 3 महीने बिल न जमा कराया तो उसका कनेक्शन काटने की धमकी दे रहा है। भाई की कोई मजबूरी हो सके। वाह क्या बात की है, देखा ये होती है इंसानियत। और तुम तो इंसानियत नाम का धब्बा हो। धब्बा धब्बा बड़ा होता है, मैं तो कहता हूँ दाग हो। दाग तो फिर भी अच्छे होते हैं, मैं तो कहता हूँ मेरे को रोक लो, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। आप कौन में से भाई साहब? मैं तो भाई जी वाटर सप्लाई से हूँ जी। अच्छा, और आप? मैं गैस कंपनी से हूँ। कंपनी बोलो, गैस तो हम देख ही रहे हैं काफी आप में, गैस कंपनी। भाई साहब एक बात बताओ, आपने पानी का बिल 6 महीने से ना जमा कराया, हमने आपसे कोई बदतमीजी करी? नहीं सर बिल्कुल नहीं। देखो जी, हमारी कंपनी की गैस पाइपलाइन आपके घर में जी, 4 महीने से आपने बिल का एक पैसा नहीं दिया। हमने आपको कुछ कहा? नहीं बिल्कुल नहीं कहा। वो भाई साहब इसलिए ना कहा हमने क्योंकि बदतमीजी हमें शोभा ना देती, इसलिए हमने बड़ी शराफत से जो ना बाहर से आपके गैस और पानी के कनेक्शन काट डाले। अगर बिल नहीं भरा ना तो पानी और गैस के बाद बिजली भी कट जाएगी। हाँ चलो। हाँ जी। पाजी किसने ठीक कहा, मुसीबत जब भी आती ना अकेले नहीं आती, हमेशा ग्रुप में आती यार। बिट्टू इस घर में हो क्या रहा है? दादी तू ये टिफिन लेके कहाँ जा रही है? hey! ये टिफिन नहीं है, लोटा है नालायक। और ये मत पूछना कि लोटा लेके मैं जा कर रही हूँ। तुझे पता है बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, नल खोलो तो सिर्फ हवा निकल रहा है उसमें से। बस अब ये सोच ले कि हवा के साथ ही तुझे अपना जीवन धोना पड़ेगा, जीवन बिताना पड़ेगा क्योंकि पानी का कनेक्शन कट गया है। और तू बाथरूम थोड़ा कम जाया कर, जब भी तू बाथरूम जाती ना मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर पूछते हैं आपके घर में कोई सिलेंडर फट गया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ताली बजाते हो? इतना भी नहीं खाती मैं। हाँ जितना तू खाती ना तेरे को भी नहीं पता। पाजी वो जो रेसलर है ना अंडरटेकर, ये उसकी बहन है लंगर टेकर। बिट्टू वो राजू कह रहा था कि सुबह से घर में गैस नहीं आ रही, मैंने गैस वाले को बुलाया था, वो आया कि नहीं? आया था गैस वाला, गैस नहीं देख गया, सीधा जवाब देख गया वो। और थोड़ी देर रुको, अभी बिजली का कनेक्शन भी कटने वाला है पूरा। क्या तू बताएगा भी इस घर में हो क्या रहा है? यार मतलब ही लोग है यार, मैंने जरा सा बिल नहीं दिया कनेक्शन काट गए। तो शुक्र करता हूँ भगवान का ये गले के डॉक्टर नहीं थे, गले का इलाज कराता, बिल ना देता मेरा गला काट जाता ये लोग। हम इस घर में रहेंगे कैसे? लो जिसने अपनी जवानी के पहले 35 साल फुटपाथ पे गुजारे उसको कितनी टेंशन हो रही है। बिट्टू तू ना चुप कर जा। अरे भाई इस घर में इतना कुछ हो रहा है और कोई मुझे बताता क्यों नहीं? इस घर में ऐसा ही है, पिछली बार तू भागी थी ना 3 दिन बाद मुझे पता चला था। दादी पुरानी बातें छोड़ो ना यार, अब ये सोचो करना क्या है। मैं तो कहती हूँ बिट्टू बिजली का बिल भर दे, हाँ पानी और गैस छोड़ दे। उससे क्या होगा मम्मी जी? अरे उससे बिजली कटेगी नहीं। रही बात पानी की तो हम यहाँ गड्ढा खोद देंगे, हाँ और उसमें वो मोटर लगा लेंगे, पानी आता रहेगा पुटुक पुटुक पुटुक। वैसे ना मम्मी जी का पानी वाला आइडिया ठीक है, तू जल्दी से बिजली का बिल भर दे। पैसे नहीं मेरे पास, कहाँ से भर दूं मैं? सब खर्च तो हमसे ही कराता रहे। नहीं है मेरे पास कितने इधर-उधर देख। मम्मी जी जो भी निकाल, मेरे पास सिर्फ 20 रुपीस है। उम्र तेरी 22, पैसे तेरे पास 20 रुपए, कम से कम 22 तो रखा कर। 20 ये ले, इसमें मेरा भी समझ के रख ले। बिल भरना, मैंने चूरन की गोलियां नहीं खरीदनी है। हमेशा सारा खर्च मुझे उठाना पड़ता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। राजू? हाँ, राजू देगा। हाँ हाँ जी साहब जी। ओए 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 ओए, ये क्या सारा परिवार एक ही जगह पर इकट्ठा हुआ है? कहीं से एक रोटी मिल गई आपको? तेरा मुंह आटे के पेड़े जैसा, 24 घंटे रोटी की बात मत किया कर। हाँ जी, ये पकड़ पैसे। ओह अच्छा, मुझे सुबह से पाजी फीलिंग आ रही थी आज मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाएगी। थैंक यू साहब जी, थैंक यू। तनख्वाह नहीं है तेरी, ये बिजली के बिल के पैसे फटाफट दे, क्या हमारा कनेक्शन कट जाएगा। और जाते जाते किसी प्लम्बर को भेजना। जा प्लम्बर? प्लम्बर क्यों करना है, क्या करना है आपने? दादी खोल के फिट करनी है आपने? दादी खोल के फिट करनी है, वो कौन सा धुआं छोड़ रही है? तो फिर क्या बुआ की पेज टाइट करवाने हैं? वो तो वैसे किसी लड़की को देखकर ढीली हो जाती है। ओए खसमानु खानिया, तुझे जो कहा गया ना उतना ही काम कर। ठीक है, जाता हूँ मैं यार, कभी भी प्यार से नहीं बोलते। दादी वैसे तेरा गड्ढा खोद के पानी निकालने वाला आइडिया अच्छा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कहती हूँ अगर तेरे दादा आजिया होते ना, एक आध बच्चा तुझे दे देती मैं। कोयले के इंजन बंद हो गए पर ये बुढ़िया अभी भी भाफ छोड़ रही है। ए मम्मी जी, अगर इस घर में किलकारियां गूंजेंगी तो सिर्फ मेरे बच्चों की गूंजेगी। हाँ, पहले फूफा का इंतजाम कर, बच्चे पैदा करने में तुम ये दूं। आप में से बिट्टू शर्मा कौन है? पहले ये बताओ कौन से डिपार्टमेंट से आए हो? मैं प्लम्बर हूँ, मुझे राजू ने भेजा। ये बताइए मोटर कहाँ फिट करनी है? ये दादी के पीछे, जहाँ दादी खड़ी है इसके पीछे वाली दीवार पे ना, उसके पीछे मोटर लगानी है और नल का बाहर लगाना है। नल बाहर क्यों लगाना है? ताकि यहाँ से जो लोग निकलते हैं वो पानी पी सके। तुम्हें क्या लेना, लगाओ ना जाके। ओके अभी फिट करता हूँ। ओए बिट्टू, तू कब से इतना बड़ा सोशल वर्कर हो गया कि आते जातों को पानी पिलाने लग गया? मुफ्त में थोड़ी ना पिलाऊंगा, पैसे लेंगे हम लोग उनसे। अरे पैसे लेने की जरूरत क्या है बिट्टू, मैं तो कहती हूँ जैसे ही बंदा पानी पीने के लिए झुके पीछे से हम बटुआ मार लेंगे। सॉरी। ओह यस मम्मी जी। हाँ लो जी, आपका काम हो गया। हाँ, लाइए मेरा 1200 रुपए दीजिए। 1200 किस बात का? आपके घर में नल लगाया मैंने। नल लगाया? मुझे सरकारी नौकरी पे तो नहीं लगाया ना। 1200 रुपए किस बात का बे? तुझे यार भेजा किसने? राजू ने। तो पैसा भी वही देगा ना मुन्ना? तो पहले बताना था ना, खाम खा टेंशन दी। चलता हूँ। हाँ तो जा ना। पानी लग गया मेरा, चेक कर लूँ फ्रेश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मम्मी जी पानी आया। हाँ मम्मी जी। अरे वाह 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 वाह, कैसा है? मीठा मीठा। क्या हुआ बिट्टू? वो पता नहीं पेट्रोल जैसी स्मेल आ रही है इसमें से। ओए नई मोटर लगी है ना इसलिए स्मेल आ रही है, जैसी मोटर पुरानी हो जाएगी स्मेल हट जाएगी, है ना मम्मी जी? भाई पुरानी मोटर को नई मोटर की बड़ी नॉलेज है। इसको छोड़ बिट्टू, तू दे मुझे, मैं चकती पकड़ लूटा। नहीं बिट्टू, इसमें से पेट्रोल की स्मेल नहीं आ रही है, ये पेट्रोल ही है। रहने दादी, तेरे को पता पता कुछ कुछ ही बोल देती है। पिछली बार भी इसने कुछ पी लिया, बोलती है मिट्टी का तेल है, चेक किया फिनाइल निकली वो। मेरे को चेक करूंगा, मैं दोबारा चेक करता हूं इसको। एक सेकंड जरा, पेट्रोल है ये? मैं चेक करता हूं, ये पेट्रोल है, कुछ भी बोलती है। ओ ये तो वाकई पेट्रोल, ये तो पेट्रोल निकला। ये तो वाकई पेट्रोल है। सत्यानाश, अब हमारे घर में पानी कहाँ से आएगा? बेवकूफ है, अरे पागल, हमारे घर से पेट्रोल निकला है, इसको बेच के हम पैसे कमाएंगे। फिर तू चाहे 50-100 शादियां कर, क्या फर्क पड़ रहा है? मिनरल वाटर से नहा, तू पागल। आप दूसरों को तो चूना लगाते हो, मुझे तो बख्श दिया करो। 700 रुपए देकर 3000 का बिल जमा करवाने के लिए मुझे भेज दिया आपने। Who is this poor man? मैंने यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रहना, मुझे मेरी तनख्वाह दो और मुझे दफा करो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, कम हियर, कम हियर। तुम्हें पता नहीं करोड़पति आदमी से कैसे बात की जाती है? करोड़पति? यू लखपति आदमी, अबे तू लखपति हो गया है? लखपति? लेकिन मैंने तो कुर्ता भी पहना, लखपति कहाँ से हो गया मैं? अबे हमारे घर में भी प्लम्बर आया, उसने नल निकाला, उसमें से पेट्रोल निकला। हमारे घर में पेट्रोल निकला? हाँ। हमारे घर में पेट्रोल निकला। हमारे घर में पेट्रोल निकला। गर्ल्स वाले सुन लेंगे। अब ये सोच रहा कि पेट्रोल बेचेंगे कैसे? बड़ा इजी तरीका है, ठेले पे पेट्रोल ले लो, सस्ता पेट्रोल, ताजा पेट्रोल, घर का निकला हुआ पेट्रोल ले लो। ऐसे तेरा दिमाग खराब, पेट्रोल बेच रहा है कि टिंडे बेच रहा है? सस्ता ले लो, ताजा ले लो, पागल के बच्चे ऐसे में बेचेंगे। इतना ही नहीं, मैं तो कहती हूँ पेट्रोल को ढक के रखना चाहिए। हाँ। अगर उसमें कोई खट्टी चीज गिर गई तो पेट्रोल फट भी सकता है ना। कोई बात नहीं मम्मी जी, फिर हम उसका पनीर बना के बेच देंगे। ये देखो कैसी बात बातें कर रहे हो। देखो पेट्रोल के पनीर को जब तड़का लगाएंगे तो वो आग नहीं पकड़ लेगा। तुम तीनों पे बहुत ज्यादा लानत है बे। तुम लोगों का दिमाग खराब है। पेट्रोल का तड़का लगाएंगे, पेट्रोल को ये करेंगे। अबे बेवकूफ बच्चों, पेट्रोल बेचना है हमें, हमें कोई चाउमीन नहीं बेचने हैं। हम बड़े बड़े देशों के साथ, बड़ी बड़ी पार्टी के साथ डील करेंगे। तो काम कर, कैन लेके जा, भर के बाहर जाके बेच के क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है बिट्टू? जब तेरा बहुत सारा पेट्रोल बिक जाएगा तो अमीर हो जाएगा, तो 8-10 लोगों से फटाफट मेरी शादी करा देना। और सुन, अरे बस कर ना, उछलती रहेगी। मेरे ना गैस की जो तकलीफ है ना, उसे दूर कर देना। वरना तू सोच ले, घर में गैस और पेट्रोल वो भी भर भर के, कहीं भी विस्फोट ना हो जाए। ठीक है साहब जी, मैं इधर चेक करके आता हूँ। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू यू। हेलो बिट्टू शर्मा, हेलो डॉली, हेलो पिंकी बेटा। क्या हो गया बेटा, हेलो का कोई जवाब ही नहीं दे रहा? कोई घटिया काम कर रहे थे क्या? हाँ, हम तो तुम्हारी तारीफ ही कर रहे थे। इससे घटिया काम और कुछ हो सकता है? ओहो, व्हाट ए जोक। ओहो, ये पानी का नल, ये तो पहले यहाँ नहीं था। हाँ, अभी अभी रोड से जा रहा था तो बोलता मैं थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। मैंने कहा आ जाओ। आपकी ये बात कुछ हजम नहीं हुई। लो जी, पिछली बार तूने ऊन का गोला खाया, वो तुझे हजम हो गया, ये बात तुझे हजम नहीं हुई। मैं देख रही हूँ आज यहाँ पर सब लोग मजाक के मूड में है, लेकिन बेटा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुमने अपने घर में नया नल लगाया और मुझे बताया तक नहीं। नल लगवाया? हमारे घर में बच्चा थोड़ी ना हुआ डंडोरा पीटते फिरे। लेकिन नल के बारे में तो आपको बताना चाहिए था। चलिए, जो काम मैं कल नहीं कर पाई अभी कर लेती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? अरे नल में मैं पानी पीऊंगी, कोई गाड़ी में पेट्रोल थोड़ी ना डलवाऊंगी नल पे। पेट्रोल? दादी बेटो, इनसे कह दो यहाँ से चली जाए, नहीं तो मैं नल में से पानी निकालूंगा, इनके ऊपर फेंकूंगा, आग लगा दूंगा मैं। क्या बेकी बेकी बातें कर रहा है? आग पानी क्या हो गया इसे? लगता है गरीबी से दिमाग खराब हो गया इसका, इलाज करवाइए इसका। जाओ जाओ, ये चल हमारा नल छोड़, किसी और के नल से जाके पानी पी। साहब 1000 में कैन बिक गया। बिट्टू, तुझे बहुत बहुत बधाई। yes, बहुत बहुत बधाई। ये तू कौन है बुढ़ी लड़की? बिट्टू, तभी इससे बात कर पिंकी से। चुप बुढ़ी लड़की की माँ। अब मेरा तुम गरीब औरतों से कोई वास्ता नहीं है। चारपाई खड़ी करके नहाने वाले लोग, होली दिवाली पे कोल्ड ड्रिंक पी के गंदे गंदे डकार मारने वाले लोग, दफा जाए यहाँ से। ये क्या कह रहा है तू? ये कह रहे हैं कि एक्सपायरी डेट वाली औरतें कृपया यहाँ से चली जाएं। बिट्टू 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 बिट्टू, ये मत भूल कि मैं तेरी बुआ हूँ। व्हाट? अरबियों में कोई बुआ नहीं होती। चाहे हट। अरबी कौन है? मैं अरबी शेख बिट्टू शर्मा, पेट्रोल के कुएं का मालिक। बिल्कुल सही कह रहा है बिट्टू, बिल्कुल सही कह रहा है। अरबियों में कोई बुआ नहीं होती, अरबियों में सिर्फ दादी होती है। ये बुड्ढा, ये बात मैं तेरे को बोलने वाला था, वो पहले बोल पड़ी इसलिए उसको बोल दिया। चल हट यहाँ से, निकल हट। अरबियों में कोई बुआ कोई दादी नहीं होती। क्यों? राजू समझाए से कद्दू जैसा मुंह लेकर अरबी बड़ा फिरता है। देख मैं समझाता हूँ साहबी, ये हर रंग का तोता सही कह रहा है। इतनी जल्दी नाता नहीं तोड़ते अपनों से। आपको पता हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे डील करने के लिए। हाँ। तो आप इनको सफाई सुफाई करने के लिए यहाँ पर रख लो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा शेख राजू। मैं शेख हूँ। हाँ सुनो गरीब औरतों, अगर तुम लोगों को इधर रहना है चुपचाप सफाई करो, वो भी तब तक जब तक मेरा मूड नहीं बदल जाता। इससे पहले कि मेरा मूड बदले और लोग मुझे लेडी किलर के नाम से जाने। इनको कपड़ा दीजिए, पोछा मारिए, चलिए शाबाश। जो लोग हमसे पेट्रोल खरीदने आएंगे नीचे पेट्रोल गिरेगा, तुम लोगों को साफ करना है, समझ में आया? हाँ, और ये डीजल जैसा मुंह लेके पेट्रोल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना, खराब हो जाएगा वहाँ पे। कपड़ा लो, फटाफट ड्यूटी पे लग जाओ। अच्छा। इधर बड़े बड़े लोग जब आएंगे उधर से गल्फ से तो अरबी बोलेंगे। हमें अरबी तो आती नहीं है, हम बात कैसे करेंगे? मैं तुम्हें सिखाता हूँ, पहले पीछे छेड़ो। साहब जी मैं शेख हूँ, आराम से बात करो। कोई भी बात शुरू करने से पहले हाजा लगाना है, उसके बाद उन जैसे खड़ा, जैसे हाजा पेट्रोल उन, हाजा पेट्रोल सैलून, हाला सब कुछ उन, हाला बात खत्म हो। ठीक उन, ठीक उन, ठीक। ओके हेलो पुअर लेडीज, यस हम लोग जरा अरबी कपड़े पहनने जा रहे हैं, कोई आए तो बोलना शेख साहब पेट्रोल से नहा रहे हैं। ओके शेख हूँ, कम शेख राजू उन। मम्मी जी दिल चाहता है ये डंडा मार के बिट्टू शर्मा का दिमाग ठीक कर दूं। मम्मी सफाई करने वाली बना दिया। आज पहली बार मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि बिट्टू मुझ पर गए। मुझे पता है जब मेरे पास 4 पैसे आते थे ना, बिट्टू के दद्दा को जोकर की तरह ट्रीट करती थी मैं भी। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, हम यहाँ पेट्रोल खरीदने आए हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए, शेख साहब पेट्रोल से नहा रहे हैं। क्या पेट्रोल से? हमारे घर पानी नहीं ना आता, इसलिए सारे काम हम पेट्रोल से ही करते हैं। या। वो देखिए शेख साहब आ गए। अरे गरीब और इनसे मिलिए, ये है शेख बिट्टू शर्मा बिन उन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई उन, हमारी अभी आपसे डील नहीं हुई उन। हाजा वही तो करने हम आए हैं। पर एक बात बताइए, आपने इससे पहले किसी को पेट्रोल बेचा है? हाँ हाँ अभी मार्केट में 1 कैन बेचा है। कैन मतलब कैनेडा को हमने अभी अभी बेचा है 10,000 लीटर। हाँ हम तो आप अबूधाबी में भी तेल बेचते हैं, अरब कंट्रीज को तेल बेचते हैं। अरब कंट्रीज को? हाँ। लेकिन वो तो सारा दुनिया को तेल बेचते हैं। सारी दुनिया को बेचते, उनके पास खत्म हो जाता फिर हमसे लेते। इसका मतलब शेख साहब आपका पेट्रोल काफी स्पेशल है ना? काफी नहीं, बहुत ज्यादा स्पेशल है। आपको पता है अभी तो हम फैट फ्री पेट्रोल भी बनाने लगे हैं। वो पीकर आदमी मोटा नहीं होता तुम्हारे जैसा। पेट्रोल कौन पीता है? हमारा तेल बहुत लोग पीता, हमारा पेट्रोल। ये हमारा ऊँट भी हमारा पेट्रोल पीता। वो तो बकरी है। ये बकरी नहीं है, वो फैट फ्री पेट्रोल पीता, उसका फैट जड़ गया। फैट वाला तेल पी पी के ऊँट का कुबड़ निकला था, अंदर से ऊँट ऐसा ही निकलता। अच्छा ये बताइए शेख साहब, हमें किस रेट पे पेट्रोल बेचेंगे आप? हज़ा किसी भी रेट पे उन। क्या मतलब? मतलब भी शेख साहब के मूड पे डिपेंड करता हूँ। अगर उनको आपकी शक्ल अच्छी लगी तो सस्ता उन, अगर आपकी शक्ल बुरी लगी तो महंगा ऊन। ज्यादा ऊन ऊन नहीं करना, वो स्वेटर बना लेगा। और तुम लोग सवाल बहुत पूछता, फटाफट पेट्रोल ले आओ और निकलो। ठीक है हम शेख साहब आपसे 10,000 लीटर तेल ले लेंगे, लेकिन उसका पेमेंट हम आप लोगों को नहीं करेंगे। हमें क्यों नहीं करेगा? तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। रूल के हिसाब से इस जगह के मालिक को हम पैसा दे सकते हैं, और इस जगह का मालिक कोई शेख तो नहीं है, बिट्टू शर्मा है। तो मैं बिट्टू शर्मा ना, पैसे वाले लोग ना भेष बदल के रहते हैं। ये देखो मैंने पैंट पहनी हुई नीचे। यही तो कंफर्म करना था हमें। इनसे मिलिए, इंस्पेक्टर दयावान आपको गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार क्यों? हाँ, जी हाँ, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तुम्हारे घर के पीछे जो पेट्रोल पंप है ना, मैं उसका मालिक हूँ। और ये जो अपने पानी की टूटी जो तुमने कनेक्शन मेरे पंप में घुसा रखा है और चोरी का पेट्रोल बेचते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और इसके लिए तुम्हें बहुत जल्द जेल भी होगी, समझे? हमने कुछ नहीं किया, मैं तो कभी कुछ नहीं किया। मैंने ना, हमने आपका पेट्रोल नहीं बेचा, मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो छोटा सा बेबी हूँ, मैं कभी ये आपका एक ही कैन पेट्रोल बिका है, वो भी इसने बेचा, इसको मैंने इनके कहने पे बेचा, आप उनका पकड़िए। कितना झूठ बोलता है बुआ। दादी तुम लोग बताओ ना इनको फटाफट क्या हो रहा है, माजरा क्या, बताओ इनको। दादी, excuse me, अरबों में कुछ दादी नहीं। बुआ तू तो बता ना इनको। Yes, अरबियों में कोई बुआ भी नहीं होती, उन। मेरी नजरों से गिर गए तुम लोग, अंधे हो गए तुम लोग, अपने रिश्तेदारों को भूल गए हो। लेकिन मैं एक चीज नहीं भूला, मैं आपको बताता हूँ ये सब किसने किया है। ये जो आपके पीछे आदमी खड़ा है ना, ये सिद्धू भाई, आज मैं बड़ी टेंशन में हूँ। क्यों? क्योंकि आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए जो शख्स आ रहे हैं, हाँ, ये अंग्रेजी में किताबें लिखते हैं, हाँ? पर इनकी एक खास बात ये भी है कि अगर आप इनकी किताबें नहीं पढ़ना चाहते तो उन्हें आप बड़े पर्दे पे देख सकते हैं, अच्छा। क्योंकि इनकी सारी किताबों में फिल्में बनती हैं। सो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड राइटर मिस्टर चेतन भगत। पिछले हफ्ते नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर का जी। मेरा कोई नॉमिनेशन भी नहीं था वैसे, अच्छा, पर मेरे को अगर मिल जाता ना वो खुशी ना होती जो आज यहाँ आके हो रही है। अरे हाँ, हम लोग बड़ी देर से चाह रहे थे कि कुछ डिफरेंट किया जाए पाजी। एक ऐसे शख्स को बुलाया जिन्होंने यूथ को पागल किया हुआ है, और ये चेतन भगत आज आपके सामने, और आप देख सकते हैं कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर आपके लिए आए हैं। मेरी भी बचपन से तमन्ना थी कपिल से मिलूं। कौन है ये आदमी? बचपन से तो नहीं, चलो, पर मेरा बचपन अभी खत्म का हुआ है। चेतन, आपने पहले IIT से इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया, हाँ। उसके बाद आप राइटर बने, हाँ। तो लिखना तो स्कूल से ही आ गया होगा, तो फिर अगर राइटर ही बनना था तो MBA और ये इंजीनियरिंग करने का क्या मकसद था? कि दुनिया को आप बताना चाहते थे कि मैंने राइटर बनने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है? मिडिल क्लास के बच्चों को क्लास 10th में क्या बोला जाता है? अगर कोई बोले राइटर बनना है, इंजीनियर बनना है, किस बात पे थप्पड़ पड़ेगा? तो फिर थप्पड़ खा लिया हमने, फिर हम इंजीनियर बन गए, फिर हम MBA बन गए, फिर जब सब कुछ कर लिया फिर लगा यार अब ट्राई करते हैं। तो थोड़ी हम देर से, कई कलियाँ देर से खिलती है, मैं थोड़ी देर से खिल गया, पर खिल तो गया। अभी तक तो आलिया भट्ट की कमी महसूस नहीं ना हुई आपको? नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं हुई। और आपके लेकिन आप दिखने में जैसे भी लगे हैं चेतन, अंदर से व्हाट द मीन? नहीं मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको, जितने में जैसे भी हो आप, जब किसी को कहते हो ना जब आदमी को डिस्क्राइब करना है, उसकी नेचर बड़ी अच्छी है। नहीं मतलब मैं चेतन साहब जैसे भी हो आपकी तो नेचर बड़ी। लेकिन चेतन साहब आप में कुछ भी हो, हाँ, आलिया भट्ट की कमी आप पूरी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी इंडिया में ऐसी पब्लिक काफी है, इसलिए पिक्चर में मैं नहीं एक्टिंग करता, आलिया भट्ट को रखता। पर ऐसे दुख नहीं लगता कि जैसे? नहीं देखो, जो भी कहो चेतन भगत अपनी जगह है, पर आलिया भट्ट बोला जाता है। आलिया भट्ट जो भी है आप भी बुरे नहीं हो वैसे। नहीं ये मेरे को बहुत बुरा लगता है। आप क्या कह रहे थे? बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। पता क्यों लगता है? किस चीज? आपने टू स्टेट्स देखी होगी, कितनों ने देखी है? कितने किसिंग सीन थे उसमें, है ना? लिखे किसने थे और किस किस को करने को मिला? ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। कम से कम राइटर को 2-3 तो करके दिखाने चाहिए कि भाई ऐसे करना है। टू स्टेट्स में जैसे हमने देखा कि काफी जो हीरो हीरोइन है मस्ती करते हैं, एक दूसरे के हॉस्टल में भी चले जाते हैं, वो आपकी लाइफ के ऊपर बनी है। अब ये जो फिल्म में मसाला देखने को हमें मिला, ये जो किसिंग विसिंग की जितनी बातें हुई, तो ये फिल्म में मसाला डालने की किया गया या फिर रियल लाइफ में मसाला और ज्यादा था वहां पे कम दिखाया गया? अब क्या कहें? नहीं, मैं किसिंग वाला आता ना तो मैं चेतन को इमेजिन ही नहीं कर सकता। मुझे लगता है 16 सोमवार के व्रत रख के अभी भी खत्म करके आए। थोड़ा धार्मिक फेस है, क्यूट है। मैं आपको कपिल अलग से बताऊंगा, मैं आज आपको बता नहीं सकता कि क्या वो जो हॉस्टल में हुआ था उसमें मसाला ज्यादा था या कम था, क्योंकि एक वेरी रेयर ओकेजन है कि मेरी मदर भी यहाँ पे है और टू स्टेट्स वाले इन लॉज भी यहाँ पे है, रियल वाले। ओह अच्छा। एक बार चेतन जी की पूरी फैमिली के लिए जोरदार तालियां। इनकी वाइफ यहाँ पे है, इनके बच्चे यहाँ पे हैं, इनकी मम्मी यहाँ पे हैं। मैं एक क्वेश्चन ले सकता हूँ सर? हाँ, आपके इन लॉज से आप मतलब इन लॉज आपको लगता है मेरे से पूछ के काम करते हैं? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है जब अच्छा हिंदी का बच्चा आती है उन्हें, वो तमिल है। अरे सेम है, इवन आई डोंट नो इंग्लिश। देखिए, जब किसी का बच्चा जो है कुछ बन जाता है तो माँ बाप को बड़ा फख्र होता है, और अगर किसी का दामाद कुछ बन जाए वो तो चीज ही अलग है। तो सर हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट ही हैज अचीव्ड एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर आल्सो। ये एक्चुअली तमिल ब्राह्मण है, ओके, व्हिच इज वेरी वेरी प्योर रेस। मैंने पूरी रिसर्च किया, मैंने किताब लिखी है। 3% ऑफ इंडिया तमिल है, उसमें से 3% तमिल ब्राह्मण होता है। कितना रेयर है। और इनकी बेटी ले आई घर पे एक पंजाबी आपकी तरह जी। आप वैसे ही प्रेजेंटेबल थोड़े कम होते हैं, ठीक है। उधर ये मेरी मम्मी भी बैठी है जी। इन्होंने कहा यार तुम पंजाबी नहीं पटा सकता था सी? अच्छा। मैं कहा मम्मी इतनी मुश्किल से तो लड़की पटती है, कोई ऐसी चॉइस ढूंढना होती है, आज ये वाली पटा लेते। मम्मी को क्या पता, इनके पास तो पापा है, इनको क्या। अनुषा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मिसेस चेतन भगत, ऐसा चेतन में आपने उस समय क्या देखा, आज भी वैसे तो, जो आपको मतलब इतना ज्यादा प्यार हो गया इनसे? हम मिले थे आईएम अहमदाबाद में, और मैं बहुत ही दुखी थी बिकॉज पढ़ाई बहुत ही मुश्किल थी, और एक ये मिल गया जो नॉन स्टॉप मुझे हंसाता रहता था। तो आप आईएम अहमदाबाद चले गए होते ना, पिक्चर आप पे बनती। तो ये आपको हंसाते रहते थे, मतलब पढ़ाई में ध्यान इनका शुरू से नहीं था? नहीं, मुझे बाद में ही पता चला कि इनकी बड़ी स्ट्रैटेजी लगाई थी इन्होंने। अच्छा। पर हाँ, कैसी कैसी? मुझे बताने की बस ऐसे ऐसे लगो कि बड़े कैजुअल वे में हम बातें कर रहे हैं, बस चाय पीते हुए बातें कर रहे हैं, पर बड़ी स्ट्रैटेजी लगी थी इनकी। वाह, 5 रुपए की चाय पिला के इधर लाखों की संपत्ति हड़प ली आपने। चलिए, चेतन की जितनी लिखी हुई किताबें, उनके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे काई पो चे है, टू स्टेट्स है, अभी हाल ही में इन्होंने किक का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। तो चेतन, जब आपको पता है कि इन पे फिल्में ही बननी है किताबों पे, तो सीधी फिल्म क्यों नहीं लिखते, उसमें क्यों पड़े रहते हैं आप? एक्चुअली बुक जो है वो किताब फिल्म से कहीं ज्यादा उसमें कॉन्टेंट रहता है, 4 गुना उसका एक स्क्रिप्ट से साइज रहता है। मैंने अब स्क्रिप्ट भी लिखा है जी, और किताब में मैं एक मैसेज डाल सकता हूँ। जैसे अब हाफ गर्लफ्रेंड मेरी किताब है, तो उसमें एक मैसेज है कि वो लड़का इंग्लिश नहीं अच्छी बोलता, लड़की उसे जज करती है, ये वो, तो वो शायद फिल्म में आए ना आए। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज भी अगर जुड़ जाए और किताब भी लोग एंजॉय करें, और मैं चाहता हूँ लोग किताबें पढ़ें, मतलब स्लम्स में भी बच्चा इंग्लिश की किताब पढ़े। बुक्स एक अकेली चीज़ है जिससे आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, बाकी और किसी चीज़ से नहीं। बाकी सब चीज़ें आपको परोसी जाती है, जब आप बुक पढ़ते हो, आप अक्षर पढ़ते हो, आप इमेजिन करते हो। तो प्लीज इंडिया में मैं सबको बोलूंगा, रीड एनी बुक, जस्ट कीप रीडिंग बुक्स, दैट्स ऑल। अब जो चेतन की नई बुक आई है हाफ गर्लफ्रेंड, इसके बड़े सारे मायने निकलते हैं कि हाफ गर्लफ्रेंड किस तरीके से, हाइट में हाफ, जैसे मेरी बीवी है, आप हाइट से हाफ है, लिप से 1.5 है। नहीं, हाफ गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ नहीं है, हाफ गर्लफ्रेंड है जो बाकी शो में आपकी घूमती रहती है, और जिनको आप जो भी आपके शो में आता है उसे हाफ गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करते हो। मैं तो पूरा बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरा बस नहीं चलता। पाजी, आपको पता है हाफ गर्लफ्रेंड की स्टोरी क्या है? कि लड़के को इंग्लिश थोड़ी कम आती है और लड़की जो है वो है। ये लड़की बेसिकली आपसे इंस्पायर्ड है, ये मेरे से इंस्पायर्ड है, बट यू नो आई एम वेरी गुड इंग्लिश। वो लड़का भी यही सोचता है। But I never speak in front of so many people because I don't want to show off. See, the problem is, I beg to say that I am a student of 8th class in your school, and I am sick. I can't come to school. Please, kindly grant me leave for one day. It's okay, it's enough. कितने लोगों के लिए आपको अगर डेट करना है तो लड़के को इंग्लिश आना इंपॉर्टेंट है. रेज योर हैंड. अच्छे से उठाओ. हाँ, सो यू हैव सीन दैट. इंग्लिश आना इंपॉर्टेंट है और किनके लिए नहीं है इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. सो दोनों तरफ से मेरे ख्याल से व्यूज लेने चाहिए. मेरे लिए है ये. ओके, तो उनको माइक, एक माइक देंगे आप प्लीज. मैम, क्या नाम है आपका? Hello everyone, I'm Veerta here, and I wish that my guy should know English. Okay. The reason is आजकल हम multinational companies में जाए या social networking sites में जाए. सब जगह English, basic English बहुत necessary है. आपको तो प्यार करना है ना मैडम, आपको नौकरी थोड़ा देनी है. हाँ, but अगर that's true. But जैसे मैं एक प्रोफेशनल कोर्स में से पढ़ी हूँ, तो मुझे चाहिए कि वो भी मेरे से एटलीस्ट मेरे जितना पढ़ा लिखा हो. कितना ही कुछ हो, कौन कहता है कि मोहब्बत के इंग्लिश ज़बान होती है? ये हकीकत तो आंखों से बयां होती है. आंखों से बयां होती है. और कोई जिसको लगता है इंग्लिश जरूरी है? प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है. अच्छा. जिसे इंग्लिश आता है वो बोलेगा कि आई लव यू, और जिसे नहीं आता है वो बोलेगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ. लेकिन दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगी? I do believe कि हर चीज पढ़ने के लिए there is no age limit, so I think he can learn English for me and I can help him learn it, so I can teach him. आपको देख के तो कोई आदमी फ्रेंच सीख ले जी. अच्छा, ये लड़का अगर इंग्लिश सीखने जाए इस चक्कर में, इंग्लिश सीखते उसको 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, फिर वो बूढ़ा हो जाए, जब तक उसकी लड़की की शादी होगी, तो मिला क्या? वही तो. Any other views on this? Sir, has Sidhupaji very well put it? Love has no language. Correct. And I can speak English very well, पर मैं हिंदी में भी उतनी अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ. पर सर, गर्लफ्रेंड तो फिर भी नहीं है. तो मैं कहने का मतलब कईयों की इंग्लिश खराब है, कईयों की किस्मत खराब है. तो मैं सोचता हूँ कि पॉकेट में पैसे भी होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए चलाने के लिए, घुमाने के लिए होने चाहिए. अरे मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था. मैं ना 80 रुपए जेब में डाल के ले गया स्कूटर पे. तो मैं 10+2 में पढ़ता था. लड़की मेरे साथ चल गई, तो मुझे पूरा आइडिया था कि एक वो पिज्जा नए आए थे तब पिज्जा आया, 2 कोल्ड ड्रिंक आएगी, ये इतने की आएंगी. उसने ना एक पिज्जा खा के एक और मांग लिया. तो मेरा तो ब्रेकअप हो गया उसके साथ. मैंने कहा तू रोमांस करने आई कि पिज्जा खाने आई इधर? जो लड़की 2-2 पिज्जा खा रही है ना, उसको साथ वैसे भी ना ही घूमो तो अच्छा. वो कहाँ पहुंचेगी 2 पिज्जा खा के 3-4 महीने में, तुम्हें पता है. भाजी, एक और सवाल मन में था. कई लड़के लड़कियां जो आजकल जनरेशन है, ये हिंदी में बात करते करते ना थोड़े इंग्लिश वाले वर्ड भी यूज करते थे. अरे आई वाज तो वहां ना. तो ये कौन सी लैंग्वेज है? नहीं, यू आर तो डम्बो, तो बीच में हिंदी का बता दिया. इंग्लिश स्पीकिंग वाले भी है ना, जब निकनेम देते हैं अपने लवर को जी, वो हिंदी का देते हैं. माई लिटिल छोटू, माई बाबू, माई सोना. चलिए, खैर हम चेतन से और भी ढेर सारी बातें करेंगे. आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए. चेतन, आप प्लीज यहाँ पर. चेतन की जो नई बुक आई है हाफ गर्लफ्रेंड, उसके ऊपर बहुत जल्द एक फिल्म बनने जा रही है. ऐसा कैसे हुआ कि अभी बुक अभी हाल ही में रिलीज हुई है, और रिलीज होने से पहले एकता कपूर ने उसके ऊपर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया? ये सब कैसे हुआ? तो ये मोहित सूरी एक डायरेक्टर हैं जी. उन्होंने कहा कि मेरे को भी आपकी कहानियों पे फिल्म बनानी है, लेकिन सारी मेरी कहानियां ऑलरेडी और लोग बना रहे थे फिल्में. उनकी फिल्म में तो मर्डर बड़े होते हैं. हाँ, तो मेरे को भी पहले यही फीलिंग आती थी कि आप लिखते ना एक हाफ मर्डर भी कर देना, थोड़ा सा कुछ तो होगा. और मोहित और मैं घर पे बैठे थे, तो हमने कहा यार हम बनाते हैं फिल्म, लेकिन हमें एक प्रोड्यूसर चाहिए. और रात के 12 बजे हुए थे, और हमारे घर पे घंटी बजती है, और एक लेडी आती है ब्लैक ड्रेस में. मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कहानी. और गाउन पहन के एक पार्टी में जा रही थी एकता, और कहती है मुझे खबर मिली है तुम दोनों एक फिल्म बनाना चाह रहे हो. तो हम दोनों को फीलिंग आई टीचर आ गई. हाँ जी, हम बना रहे थे, क्या हो गया मतलब ना बनाए. और तुम्हें प्रोड्यूसर नहीं चाहिए? हाँ, वो तो चाहिए. आई बैठी, उन्होंने कहा जब तक तुम लोग ये मेरे को पिक्चर नहीं दे रहे, मेरे साथ नहीं बना रहे, मैं यहाँ से नहीं जा रही. अच्छा। और उन्होंने हाथ आगे रखा और कहती है कम ऑन बॉयज, हाथ मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे। मैं मोहित को देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, मतलब एक मेरी बीवी है, एक मेरी सास है, उसके भी ऊपर लेवल का कोई आ जाए। तो मोहित ने ऐसे अपनी जेब से हाथ निकाला, रख दिया। मुझे कहा तू भी रखना, मैंने भी रख दिया, तो हमारी डील हो गई। कौन कहा है? चेतन जी, हाय चेतन जी, हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं। काफी बड़े तो हो। चेतन, आपने देखा है शादियों में जो फ्रूट सैलेड का पता नहीं होता है, हाँ, स्टॉल जो लगा होता है, तरबूज के ऊपर टमाटर लगा के जो आर्मी जैसा मुंह रखा होता है, ही इज द सेम गाय। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो आप टमाटर तरबूज ये चीजें बोले ना, ये स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो ईर्षा होती है ना, वो मनुष्य को अंदर ही अंदर से खा जाती है, खोखला कर देती है। खोखला, you know खोखला, it is sounding like ढोकला but it is not ढोकला, it is खोखला। पर आपका मेन चार्म है क्या, मतलब आपकी क्या ऐसी बात है जिनसे जलते हैं? आपको क्या लगता है, क्या सच बता दो, आज बता दो क्या है? ऊपर वाला ये सारे जनता जानती है, खुद ही कह रहे हैं। स्माइल है हमारी जो पता नहीं कहाँ, मतलब हम बता रहे हैं आपको, अपने गांव में चलते हैं हम, हाँ। तो लड़के यहाँ से बेहोश होती रहती है सड़क पर। वो एक्चुअली बेहोश जो होती है, आगे वाली लड़कियां नहीं, जो इसके पीछे चल रही होती है वो बेहोश होती है, क्योंकि साइलेंसर पीछे की तरफ है। चले कोई नहीं, चेतन जी हम पहले अपना इंट्रोड्यूस आपको दे दें। मैं दे देता हूँ इंट्रोडक्शन इनका। ये हमारे बगल में एक भैंस रहती बिजुरिया, ये उनके बॉयफ्रेंड है। हाँ? शर्मा जी। देखो, नहीं पर भैंस का भी दिल होता है। अरे नहीं, देखिए आप समझ लीजिए, हमारा और बिजुरिया का कोई रिलेशन नहीं है। वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। वो हमें दूध देते हैं, हम उसे चारा देते हैं, बस दैट इज इट। अच्छा तू झूठ बोल रहा है, तू उसे एक चीज देता चारा, वो तो जो दूध देती है गोबर भी तो देती है साथ में। हाँ वो यूजफुल है। हम आपको बताते हैं चेतन जी, हाँ। आपसे इंस्पायर लेके, हाँ, हमने भी अब लिखना शुरू कर दिया है। आई एम बिकमिंग ए लेखक। नहीं देखिए, जिस तरह आपने हाफ गर्लफ्रेंड लिखी है, वैसे ही हमारी भी एक किताब मार्केट में आने वाली है, उसका नाम है काफ गर्लफ्रेंड। गाय के बच्चे वाली गर्लफ्रेंड का। अरे क्यूरियोसिटी तो क्रिएट करता है, लेकिन देखिए ना, यहाँ देखिए, ये साधारण मनुष्य को ये उच्च कोटि की भाषा समझ में आई नहीं। शर्मा जी, फॉर योर बेनिफिट एंड ओनली फॉर योर बेनिफिट, लेट मी एक्सप्लेन। काफ, इट इज एन अंग्रेजी वर्ड। काफ का मतलब होता है बछड़ा। बछड़ा मतलब यंग भैंसा। अब यंग भैंसा की गर्लफ्रेंड के ऊपर स्टोरी है, इसलिए काफ गर्लफ्रेंड। अरे तो पागल है तू भी, सीधा ही बोल देता, तेरी अपनी स्टोरी है। शर्मा जी, जब से हम यहाँ पर आए तब से आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं, भूल रहे थे, अब याद आ गई, अब कह देते हैं। सेटअप। देखिए चेतन जी, ये हमारी दरख्वास्त है आपसे कि एक बार हमारा ये उपन्यास तैयार हो जाएगा, हाँ, फिर हम चाहते हैं कि इस उपन्यास का विमोचन जो है वो आप अपने हाथों से कर देंगे। नहीं चेतन, आप पहले कंफर्म कर लें लिखा क्या है, क्या पता क्या लिख के लाया, पागल तो है ये। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम 4 पंक्तियां लेकर आए हैं अपने उपन्यास के, हम सुनाते हैं। पूछ उठा के तुम मुस्काई, वाह, सींग से अपनी खुजली मिटाई। ऐसे देख के इतनी प्यारी अदाएं, रात को हमको नींद ना आई। हमने तुमको घास गिफ्ट की, तुमने वो भी प्यार से चबाई। आधी उसने खाई, आधी तुमको खिलाई। गोबर की खुशबू से तुमने हमारी पूरी जिंदगी महकाई। वाह कैसे तुमको ये बतलाएं कितना प्यार हमें तुमसे है, तुम ही देती हो हमको दूध दही मक्खन और आप लोगों ने मतलब आप बाहर के गेस्ट बुलाते क्यों? आपका हर एपिसोड में आपके पास टैलेंट की मतलब बोरी है और ये टैलेंट की हो ना हो बोरी तो है। सर आपने इतना कह दिया शर्मा जी, फोटो लीजिए आप जीवन में, अपने जहन में इस पिक्चर को बांध लीजिए, चिपका लीजिए। देख रहे हैं आप, हमें सिखाओ सर, कुछ सिखा दो। नहीं नहीं आप आइए आइए। वैसे देखिए आपकी जो हाफ गर्लफ्रेंड है इसके ऊपर एक चलचित्र बन रहा है, हमने ऐसा सुना है। हाँ। आपको क्या लगता है काफ गर्लफ्रेंड के ऊपर भी स्कोप है कुछ पिक्चर? मैंने फिल्म इंडस्ट्री देखी है सर, एक तो वहां पे आपके जैसे लेवल की ना अभी तक नहीं पहुंच पाए हम। और जो भैंसों के एक्सप्रेशन लाने पड़ेंगे कैसे लाओगे? हाँ। है कोई डायरेक्टर जो भैंसों के एक्सप्रेशन ला सकता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इनकी किताब में तो इमोशन होगा भैंस का। अभी नहीं है सर, आप थोड़े टाइम के आगे हो, 15-20 साल बाद आई थिंक कोई ना कोई हुनर निकलेगा, तब बनवाना, अभी मत बनवाओ। कमाल है आप, कमाल है आप, धन्य है। नहीं आपने हमारा उपन्यास और हमारी पूरी इसको आपने अप्रिशिएट किया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब हम चलना चाहेंगे, क्या हम चलें? थोड़ा दूर से चलना, धुआं ना करना इधर। क्या कहा आपने? आप लोग इतना डिमांड कर रहे हैं तो, और सर भी आए हुए हैं और आगे भी फ्यूचर फिल्मों के लिए आप थोड़ा हमें ध्यान में रखिएगा। हम स्माइल दिखा देते हैं, क्या कि एकदम किलर है, देख के हम तुरंत भाग जाएंगे का कोई भरोसा नहीं ऑडियंस ऐसे। रेडी? चेतन, आपको और आपकी पूरी फैमिली को हम आपके चाहने वालों से मिलाते हैं, सो आप एक एक करके चेतन से बात कर सकते हैं जो भी आपके मन में सवाल हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम। हाय सिद्धू भाजी, हाय कपिल, हाय चेतन जी। ऑलवेज हमने यहाँ पर एक्टर्स को ही डांस करते हुए देखा है, पर पहली बार यहाँ पे कोई राइटर आया है, तो मैं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि उससे करवाओ। तो मैं आपको और असली आलिया भट्ट आपकी वाइफ को टू स्टेट्स के सॉन्ग पे डांस करते हुए देखना चाहती हूँ। जो गलती से कभी मुझे कोई लिटरेरी प्राइज मिलने का चांस था ना, आज वो भी चला गया। पर हम बड़े खुश हैं क्योंकि आज हम नाचे हैं आपके शो में। थैंक यू। आज बड़ा सज धज के आई तू। दिल की धड़कनें तेज हो गई है। मेरी बॉयफ्रेंड है ना इसलिए। कौन तेरा बॉयफ्रेंड? चेतू। चेतू? चेतू मतलब क्या? ये धूमकेतु जैसा मुंह लेके तू चेतू से मिलने आई है? नहीं, आपके लिए होंगे ये चेतन, मेरे लिए तो चेतू हैं। ये मुझे प्यार से प्रिया कहते हैं, प्रिया पाठक। कोई भी बुक लिखते हैं ना, उससे पहले लिखते हैं प्रिया पाठक, वो मेरा नाम लिखते हैं। चेतन आप बैठिए, ये पागल है, आप बैठिए प्लीज। अभी बीवी के साथ डांस कराया यार, अभी क्या हो रहा है? प्रिया पाठक, विनय पाठक जैसा तेरा मुंह और प्रिया पाठक। तो पागल है क्या? कोई भी राइटर जब लिखता है तो शुरू में यही लिखते हैं, प्रिय पाठक। इसका मतलब सारे राइटर मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर बुक भी लिखी है। मैंने आपके ऊपर कौन सी किताब लिखी है? आपने मेरे ऊपर लिखी है। आप बस स्टैंड में बैठे हुए थे एक बार, तो आपके पास टेबल नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने कहा मेरे ऊपर लिख दो, कोई बात नहीं। तो मेरे ऊपर बैठ के आपने लिख दी। रिसेंटली भी एक लिखी है मेरे ऊपर किताब। कौन सी? हाफ गर्लफ्रेंड। आप मेरी हाफ गर्लफ्रेंड हो? फुल गर्लफ्रेंड तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती। थोड़ी देर के लिए सर इसके बॉयफ्रेंड बनना, थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे जाएगी नहीं, आपको पता नहीं है शायद इसका। अगर आपकी मर्जी थोड़ी ज्यादा देर बनना है तो ज्यादा देर भी बन जाना। कम नो, कम कम डार्लिंग, कम कम। चेतन भगत डेटिंग गुत्थी, इट्स अ नेचुरल डिजास्टर। मैं तुम्हें कल कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था, तुमने फोन ही नहीं करा मुझे। मम्मी की वजह से सब हुआ। मम्मी नाक के बाल काट रही थी कैंची से, और क्या हुआ, कैंची उनके पास थी, नाक के बाल मेरे भी बड़े हुए थे। तो फिर मैं वेट कर रही थी कि मम्मी की कैंची खाली हो तो मैं काट दूं, पर मम्मी की कैंची ना फंस गई नाक में। तो फिर मम्मी की कैंची निकली नहीं, तो मैं वेट करती रह गई। क्या है ना, मैं बालों के साथ आ नहीं सकती, समोसे खाते चटनी लग जाती है फिर। कपिल एक मिनट, हाँ आप जरा माइंड मत करना, बट कपिल मैं वैसे दूसरों को मोटिवेशन लेक्चर देता हूँ, पर ये अगर 1-2 मिनट भी और चला ना, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। चिंता मत करो, मैं आपको मोटिवेट करूंगी। मोटिवेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मेरे डायर से नीचे सबसे पहले मोटिवेट के लिए जरूरी होता है ये उंगली। ये उंगली यहाँ पे आप कान में लगाइए, और जितनी भी आपकी मैल है वो साफ कीजिए, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा तो फिर मोटिवेट करने का फायदा भी क्या। बात का अर्थ उसके शब्दों में ही छिपा होता है दोस्तों। जैसे शब्द है मोटिवेट, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो मोटी और वेट, मोटी का वेट। तो मोटी को वेट करना ही नहीं चाहिए जब तक वो पतली ना हो जाए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट ही होगी उसको। ठीक है, चलो ठीक है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव। वेल कपिल, मैं बस यही आपको कहूंगा कि पहली बात तो हमने बिना हीरोइन के शो यहाँ तक खींच लिया है। तो वो तो बहुत बड़ी आपकी ब्यूटी के साथ, मतलब ऑफ कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू चेतन। एक बार चेतन के लिए जोरदार तालियां। और मेरी एक आखिरी ख्वाहिश, मतलब इस शो के लिए, वो ये है कि ये हाफ गर्लफ्रेंड बहुत ही स्पेशल बुक है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो इंग्लिश नहीं अच्छी बोलता और आगे चल के लाइफ में बहुत कुछ अचीव करता है। तो मैं एक इसकी नेशनल लॉन्च करना चाहता था, और ऐसे शख्स से करवाना चाहता था जो सच में डिजर्व करता हो, और मुझे लगता है आपसे बेटर कोई नहीं हो। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच चेतन। आज आपके लिए खास तौर पे हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पे आए। मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी बातें आप उनको ज़रूर बता के जाएं जो आगे चल के उनके करियर में सहायक हों, जो आगे चल के उनकी ज़िंदगी में काम आए। कुछ 2 लफ्ज़ आप ज़रूर कहें प्लीज़। बस यही कहूँगा कि यू नो, हारते सब हैं, ये तो हारते जो जीतता है वो भी हारता है। अगर आप हारते हो तो उससे आपको बुरा भी लगेगा, आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, बुरा लगेगा, रो देना, बैठ के पिट लेना, कह देना मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। लेकिन कभी क्विट मत करना, कभी गिव अप मत करना। और दूसरी बात है कि हमने सब बच्चों को यही कहते हैं सफल होना है, सफलता के बाद एक ह्यूमिलिटी रखना। और थर्ड एंड फाइनल थिंग, जितना भी सक्सेस आ जाए, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेस आता जाता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। दैट्स ऑल आई से। चिकन की बुक ले आइए सिद्धू बाजी, मैं चाहूंगा कि आपके हाथों से ये हमारे लिए ऑनर की बात है। आपकी बाकी की बुक्स की तरह मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भी बहुत चले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चल रही है। सो बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच कॉमेडी नाइट्स में आने के। यू गाइस हैड फन? सुपर, वी हैड फन टू। थैंक यू। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.